नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 24 अप्रैल दिन सोमवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। चमकी बुखार से निपटने में सहयोग करेंगे आशा कार्यकर्ता। गया के तिलकुट के साथ बिहार के इन प्रसिद्ध चीजों को मिल रहा जीआई टैग। मनरेगा में अलग अलग मापदंडों पर राज्य के 9 प्रखंडों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ। बिहार में 3 दिनों तक आंधी बारिश का अलर्ट। सम्राट चौधरी के मिट्टी में मिलाने वाले बयान को मिला सीएम नीतीश का जवाब। अब चले बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने 100 पदों पर निकाली भर्ती। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी के द्वारा केमिकल प्रोसेस वर्कर के 100 पदों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन इन पद की खास बात यह है कि उनके लिए इच्छुक उम्मीदवारों को ऑफलाइन तरीके से आवेदन करना होगा। बता दें कि आवेदन करने के लिए चाहे एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना हो या नोटिस के माध्यम से डिटेल की जानकारी पाना हो, उसके लिए उम्मीदवारों को munitionsindia.co.in पर जाना होगा। वहीं इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 5 मई 2023 तक निर्धारित की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको जिस एड्रेस पर अपना एप्लीकेशन को भेजना है वह जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी जिला नर्मदापुरम मध्य प्रदेश 461122 है। अन्य जानकारी के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। चमकी बुखार से निपटने में सहयोग करेंगे आशा कार्यकर्ता। राज्य में एक बार फिर से चमकी बुखार ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, इसलिए अब चमकी बुखार से निपटने में 38,000 से अधिक आशा कार्यकर्ता मदद करेंगी, जिन्हें राज्य के 12 प्रभावित जिलों में चिन्हित कर लिया गया है। बता दें विभाग की ओर से इन सभी आशा कार्यकर्ताओं को 20-20 ORS पैकेट और 3-3 पैरासीटामोल सिरप देने को निर्देश दिया गया है। बता दें कि जिन 12 जिलों के लिए आशा कार्यकर्ताओं को चयनित किया गया है उनमें बिहार की राजधानी पटना, गोपालगंज, सारण, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली शामिल हैं। बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगे आलोकनाथ के बारे में। आलोकनाथ एक भारतीय अभिनेता हैं जो हिंदी सिनेमा और टेलीविजन में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने सर रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित 1982 की अंग्रेजी फिल्म गांधी के साथ अपनी फिल्म की शुरुआत की। उसने उस वर्ष सर्वश्रेष्ठ चित्र के लिए ऑस्कर अकादमी पुरस्कार जीता। वह सोप ओपेरा बुनियादी में दिखाई दिए, जिसने 1986 में देश में तूफान ला दिया था। वह रिश्ते में भी थे जो 1999 से 2001 तक प्रसारित हुआ था। वह सपना, बाबुल का विदाई, यहाँ में घर घर खेली और ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे स्टार प्लस के धारावाहिकों में दिखाई दिए। दिसंबर 2013 में आलोकनाथ द्वारा निभाए गए पात्रों पर आधारित चुटकुले और मीम सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे और तेजी से फैलने लगे। मैट्रिक कंपार्टमेंटल व स्क्रूटनी के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी आगे। अगर आप भी उन छात्रों में हैं जो मैट्रिक कंपार्टमेंटल व स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से अब तक नहीं कर पाए थे, तो आपके लिए खुशखबरी है। बता दें कि अब बिहार बोर्ड के द्वारा छात्र हित को देखते हुए मैट्रिक कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा और स्क्रूटनी के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ाकर 10 अप्रैल से 25 अप्रैल कर दिया गया है। वहीं ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि बोर्ड के द्वारा 24 और 25 अप्रैल निर्धारित की गई है। इसके अलावा वैसे छात्र जिन्होंने आवेदन तो कर दिया है लेकिन अब तक शुल्क जमा नहीं किया है, वे छात्र 26 अप्रैल तक बकाया शुल्क अनिवार्य रूप से जमा कर सकते हैं। गया के तिलकुट के साथ बिहार के इन प्रसिद्ध चीजों को भी मिल रहा जीआई टैग। जीआई टैग अब बिहार के प्रसिद्ध मिठाई बालूशाही, खुरमा और तिलकुट को भी मिलने वाला है। दरअसल प्रारंभिक जांच के बाद जीआई टैग देने संबंधी आवेदन बिहार के इन मिठाइयों के लिए भी स्वीकार किए जा चुके हैं। अब इसके लिए आगे की कार्रवाई सक्षम प्राधिकार के तरफ से की जाएगी। सुनील कुमार जो कि नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक है, उनके द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। बता दें कि सीतामढ़ी की बालूशाही, गया का तिलकुट, हाजीपुर का चिनिया केला, भोजपुर के उदवंत नगर का खुरमा, नालंदा के बावन बूटी काला, साथ ही गया की पत्थर कट्टी कला को जीआई टैग के मांग को मंजूरी दी जा चुकी है। बताते चले किसी उत्पाद को जीआई टैग मिलना काफी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह मुख्य रूप से उत्पाद के उत्पत्ति को उसके मूल क्षेत्र से जोड़ने के लिए होता है। मनरेगा के अलग अलग मापदंडों पर राज्य के 9 प्रखंडों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अभियान यानी कि मनरेगा में अलग अलग मानकों पर राज्य भर के 7 जिलों के कुल 9 प्रखंडों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया गया है। बता दें कि जिन 7 जिलों के 9 प्रखंडों के द्वारा सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया गया है वह जिले अररिया, औरंगाबाद, कटिहार, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, रोहतास तथा सहरसा शामिल है। वहीं जिन 9 प्रखंडों ने सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है उनमें सिमरी, बख्तियारपुर, परासी, देव, नवीनगर, अररिया, सासाराम, बारसोई, कुरहनी और चानन शामिल है। बता दें कि सभी प्रखंडों को ग्रामीण कार्य विभाग के सचिव बाला मुरुगन दी तथा मनरेगा आयुक्त राहुल कुमार के द्वारा विभाग की ओर से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा सभी प्रखंडों को बधाई दी गई है। अब सरकारी ऐप से नकली और खराब बीज की होगी पहचान।
कई बार ऐसा होता है कि किसानों को नकली और खराब बीज देकर उन्हें ठगने की कोशिश की जाती है। ऐसे में अब कृषि मंत्रालय की ओर से एक ऐसा ऐप लॉन्च किया गया है जिसकी सहायता से किसानों को यह पता लगाना आसान हो जाएगा कि वह जो बीज ले रहे हैं वह नकली है या फिर असली। इसके साथ ही इस ऐप की मदद से बीज की गुणवत्ता का भी पता लगाया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कृषि मंत्रालय की ओर से जारी किए गए इस ऐप का नाम साथी है, जिसमें एक QR कोड होगा और उसकी मदद से ही बीज की पहचान की जा सकेगी। मालूम हो कि इस ऐप के जारी होने के बाद कृषि मंत्रालय की ओर से सभी राज्यों को इसे अपनाने का आग्रह किया गया है, ताकि किसानों को बीज खरीदने में धोखा ना हो सके। इसके अलावा इस ऐप के इस्तेमाल को लेकर किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी और साथ ही सरकार की ओर से जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। बिहार में दिखी दुर्लभ प्रजाति की सोनकंठी गौरैया। पटना विश्वविद्यालय के भूगोल विभाग के पूर्व छात्र निशांत रंजन के नेतृत्व में संचालित एनवायरमेंट वॉरियर्स और गौरैया संरक्षण पर सक्रिय संजय कुमार की टीम के द्वारा मुक्ति के कगार पर पहुंच चुकी घरेलू गौरैया और पीले कंठ वाली गौरैया की खोज बिहार के मुंगेर के भीम बांध वन क्षेत्र के टोला चोरमार टोला बसिया में की गई है। बता दें कि इन सभी स्थानों पर लगभग 700 की संख्या में पीले कंठ वाले गौरैया की पहचान की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह चिड़िया काफी दुर्लभ प्रजाति की है, जिसकी खोज सबसे पहले बोर्ड मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली के द्वारा की गई थी। वहीं इसके नामकरण का काम मिलाड के द्वारा किया गया था। प्यारी पर्यटन में आज हम बात करेंगे अमर शहीद जुब्बा साहनी पार्क के बारे में। अमर शहीद जुब्बा साहनी पार्क मुजफ्फरपुर का एक मुख्य पर्यटन स्थल है। यह पार्क मुजफ्फरपुर का एक फेमस पार्क है। यह पार्क नगर निगम मुजफ्फरपुर के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। यह पार्क मुख्य शहर में स्थित है। इस पार्क में आपको चारों तरफ रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे देखने के लिए मिलते हैं, जो पार्क की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे झूले भी लगे हुए हैं, जहाँ पर आप एंजॉय कर सकते हैं। इस पार्क में आपको फव्वारा देखने के लिए मिलता है, जो बहुत सुंदर है। इस पार्क में आपको अमर शहीद जुब्बा साहनी जी की मूर्ति देखने के लिए मिल जाएगी। उसके अलावा और भी शहीदों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। यहाँ पर आप जाकर अपना अच्छा समय बिता सकते हैं। पटना मेट्रो स्टेशन के लिए जमीन के नीचे होगा 3 मंजिल स्टेशन का निर्माण। जो मेट्रो स्टेशन पटना जंक्शन के पास बनने वाली है, उसके लिए 2 जुड़वा सुरंग बनाई जाएंगी। बता दें कि इन 2 सुरंगों में एक सुरंग फ्रेजर रोड से होते हुए गांधी मैदान, अशोक राजपथ, फिर यहां से ISBT के लिए जाएगी। वहीं दूसरी सुरंग बेरी रोड की तरफ जाएगी, जो सगुना मोड़ तक जाते हुए खत्म हो जाएगी। दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन द्वारा जंक्शन के पास निर्माण को लेकर प्रारंभिक तैयारियां शुरू की जा चुकी है। बता दें कि 3 मंजिला स्टेशन जमीन के नीचे बनाए जाएंगे। दिल्ली रेल मेट्रो कॉरपोरेशन के अनुसार जो मेट्रो स्टेशन जंक्शन के पास बनेगा वह इंटरचेंज होगा। ऐसे में पाटलिपुत्र, ISBT और सगुना मोड़ दोनों ही तरफ जाने के लिए मेट्रो लिया जा सकेगा। साथ ही भव्य मेट्रो स्टेशन का निर्माण पटना स्टेशन गोलंबर के पास होगा। पटना सिटी में पुलिस ने जब्त किया शराब से लदा ट्रक। बिहार में शराबबंदी होने के बाद भी आए दिन शराब पकड़े जाने या जहरीली शराब से मरने की खबर आते रहती है। कुछ दिनों पहले ही मोतिहारी में जहरीली शराब से मौत की खबर सामने आई थी, जिसके कारण पुलिस प्रशासन एक्शन में आई और उसके बाद जगह जगह पर छापेमारी में जुट गई। अब इसी कड़ी में एक और मामला पटना सिटी के बाईपास थाना क्षेत्र के कसेरा धर्म कांटा इलाके से सामने आया है। दरअसल इस जगह पर जूट के बोरा से लदे ट्रक की तलाशी ली गई। तलाशी के समय इस ट्रक से 3,000 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया गया, साथ ही ट्रक ड्राइवर की गिरफ्तारी की गई। पुलिस की तरफ से जानकारी मिली है कि ट्रक पश्चिम बंगाल का है और ड्राइवर राजस्थान का रहने वाला है। बिहार के बेगूसराय में इस दिन आयोजित होगा रोजगार मेला। 26 अप्रैल को बिहार के बेगूसराय में रोजगार कैंप का आयोजन श्रम विभाग के पहल पर आयोजित किया जाने वाला है। बता दें कि इसका आयोजन शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार मुहैया कराने की दिशा में होने वाला है। मिली जानकारी के अनुसार यह आयोजन एक दिवसीय होगा, जो कि सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक जिले के ITI मैदान में आयोजित किया जाएगा, जहां 8वीं, 10वीं, 12वीं के साथ साथ ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएट युवाओं को 250 सीटों पर नौकरी मिलेगी। इस रोजगार मेले में 18 से 35 वर्ष आयु तक के युवा भाग ले सकते हैं। बता दें कंपनी द्वारा चयनित युवाओं को 9,150 रुपए से 11,982 रुपए तक के सैलरी उनकी योग्यता अनुसार दिए जाएंगे। बिहार में 3 दिनों तक आंधी बारिश का अलर्ट। राजधानी पटना समेत बिहार प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ बूंदाबांदी व हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में अगले 3 दिनों तक तेज हवा चलेंगी और आंधी पानी के साथ मेघ गर्जन की संभावना जताई जा रही है। वहीं आसमान में बादल छाए रहेंगे और कुछ इलाकों में ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि 3 दिनों के बाद प्रदेश के अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत प्रदेश के 30 जिलों में आंधी पानी के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हवा की गति बने रहने के आसार है। मौसमी प्रभाव को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उसके साथ ही राज्य में कुछ जगहों पर आज यानी कि 24 तारीख को ओलावृष्टि का भी अलर्ट जारी किया गया है।
प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों की मांगी जानकारी। राज्य के सभी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापकों की कमी को पूरा किया जा सके, इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह के द्वारा सभी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी व सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर प्रधानाध्यापकों के रिक्त पदों की जानकारी की मांग की गई है। इसके साथ ही प्रधानाध्यापकों के शेष रिक्त पदों के लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा निदेशकों के स्तर से रोस्टर क्लियरेंस करने का भी निर्देश दिया गया है, ताकि इसके बाद नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत की जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकार के द्वारा विद्यालयों में प्रधान अध्यापकों की नियुक्ति को लेकर अगले 6 महीने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वीर कुंवर सिंह के विजयोत्सव पर राजकीय समारोह का हुआ आयोजन। बीते दिन यानी कि शनिवार को बिहार के लाल और पहले स्वतंत्रता संग्राम के हीरो और 81 साल के रणबांकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि थी। ऐसे में उनके इस विजयोत्सव के अवसर पर बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में स्थित वीर कुंवर सिंह आजादी पार्क में राजकीय समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेरकर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा उनके अश्वारोही प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी समेत अन्य राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा भी वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। वहीं इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों द्वारा आरती, पूजन, भजन कीर्तन, बिहार गीत और देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री के द्वारा सहकारी भूमि विकास बैंक समिति परिसर में बाबू वीर कुंवर सिंह की नवनिर्मित प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस अवसर पर विजय कुमार सिंह के द्वारा मुख्यमंत्री को पगड़ी, अंगवस्त्र व फूलों की माला पहनाकर तथा तलवार एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत किया गया। भाजपा नेता ने नीतीश को सीएम योगी से सीख लेने की कही बात। बिहार में इन दिनों सियासी तापमान चढ़ता ही जा रहा है। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल द्वारा निशाना साधा गया है। दरअसल उन्होंने योगी मॉडल की बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपराध पर लगाम लगाने को कहा है। साथ ही कहा है कि नीतीश कुमार को योगी सरकार से सीख लेने की जरूरत है। बिहार के हर शहर में अपराध की घटना होने और बढ़ने की बात भी उन्होंने कही है। अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि बिहार के पड़ोसी राज्य में अपराधियों को सजा मिल रही है, इसलिए नीतीश कुमार को योगी आदित्यनाथ से सबक लेनी चाहिए। सम्राट चौधरी के मिट्टी में मिलाने वाले बयान को मिला सीएम नीतीश का जवाब। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी के द्वारा पटना में आयोजित भामाशाह जयंती समारोह के दौरान यह ऐलान किया गया था कि वे सीएम नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन को मिट्टी में मिला देंगे। वहीं अब उनके इस बयान का पलटवार करते हुए सीएम नीतीश के द्वारा कहा गया है कि अगर सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि वह मिट्टी में मिला देंगे तो उनसे कह दीजिए कि जहां मिट्टी में मिलाना है मिला दे। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी को बुद्धि नहीं है, इसलिए वह बिना मतलब की बातें बोलते रहते हैं। इस तरह की बात हम तो कभी नहीं बोलते, लेकिन उनकी जो इच्छा आए करते रहे, और आजकल जो यह सब इतना बोल रहा है किसी को कोई बुद्धि नहीं है। बता दें कि सीएम नीतीश के द्वारा ये सभी बातें बीते दिन वीर कुंवर सिंह की जयंती पर आयोजित समारोह में शामिल होने के दौरान कही। सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर किया कटाक्ष। रविवार को मुख्यमंत्री की आई प्रतिक्रिया पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी द्वारा कटाक्ष किया गया है। दरअसल भाजपा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का राजनीतिक तौर पर शब्दों का अर्थ नहीं समझना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कभी भाजपा को खत्म कर देने का संकल्प लेने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से उनकी कोई व्यक्तिगत लड़ाई झगड़ा न थी और न है। साथ ही कहा कि मेरी लड़ाई सिद्धांत और विचारधारा की है। अपने कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए मैंने कहा था कि सिद्धांत व नीति विहीन राजनीति करने वाले नीतीश कुमार को राजनीतिक तौर पर मिट्टी में मिलाने का वे कमिटमेंट करें, मगर मुख्यमंत्री मेरी बातों पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर अपनी राजनीतिक हताशा व निराशा को दर्शा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर लगाया ये आरोप। बीते दिन बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के द्वारा बिहार के हाजीपुर में चौरसिया समाज के कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी पर आरोप लगाते हुए इशारों ही इशारों में निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि आप सभी लोग तो जानते ही हैं कि किसकी गड़बड़ी से हारे, अगर ऐसा नहीं होता तो चौरसिया समाज का एक सदस्य सदन में होता। कुछ लोगों के द्वारा यह टैग लगा दिया गया है कि आरजेडी पार्टी यादव और मुस्लिमों की है, लेकिन सच्चाई यह है कि आरजेडी पार्टी ए टू जेड पार्टी है। हम लोग इसी सोच के साथ पूरे समाज को एक साथ लेकर चलने का काम कर रहे हैं। चौरसिया समाज मिठास खोलने और शांति प्रिय है, यह हमारी भी धारणा है। चौरसिया समाज के द्वारा ही समाज की पारंपरिक पान की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है और इसके लिए जल्द ही 40 करोड़ की लागत से एक प्रोजेक्ट लगने वाला है जो पान की खेती को बढ़ावा देगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर चौरसिया समाज 2 कदम आगे चलेगा तो हम 7 कदम आगे चलेंगे।
आरसीपी सिंह ने सीएम नीतीश पर बोला तीखा हमला। पिछले कुछ दिनों से जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह के द्वारा लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमला बोला जा रहा है। वहीं अब एक बार फिर आरसीपी सिंह के द्वारा दावत इफ्तार को लेकर ट्वीट कर उन्हें घेरने की कोशिश की गई है। उन्होंने कहा है कि क्या लाजवाब रूटीन है नीतीश बाबू का। नीतीश बाबू इस महीने की 5 तारीख से लेकर 23 तक का अपना टाइम टेबल देखा आपने, क्या गजब का टाइम टेबल है। मुख्यमंत्री के रूप में देश में आपने इस अवधि में एक अजूबा रिकॉर्ड बनाया है। जरा सोचिए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10-10 इफ्तार पार्टियों में शरीक हुए, तरह तरह की टोपियां पहनी, रंग बिरंगे शॉल ओढ़े एवं विभिन्न प्रकार के लजीज व्यंजन ग्रहण किए। शीर चाय तो आपने पी ही होगी, पाकर खानी तो बहुत खाई होगी। ईद के दिन तो आपकी गजब की मसरूफियत थी। सुबह 8 बजे से लेकर रात तक विभिन्न जगहों पर अपने ईद की सेवैयों का सेवन किया। स्वाभाविक है, जिन जिन संस्थाओं और रसूखदार व्यक्तियों के दौलत खाने पर आप गए उनको तो बहुत अच्छा लगा होगा और अच्छा लगना भी चाहिए। इसके साथ उन्होंने कई और बातें भी ट्वीट करते हुए सीएम नीतीश पर हमला बोला है। होम ग्राउंड में विराट कोहली ने पत्नी अनुष्का शर्मा पर लुटाया प्यार। एम चिन्नास्वामी क्रिकेट स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के द्वारा राजस्थान रॉयल्स को 7 रन से हराते हुए इस सीजन का अपना 4था मुकाबला जीत लिया गया। बता दें कि इस मैच से जुड़ी विराट कोहली की एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वह कैच लपकने के बाद अपने फैंस और अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा का दिल जीतते नजर आ रहे हैं। दरअसल जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का को फ्लाइंग किस करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान अनुष्का का भी रिएक्शन काफी खूबसूरत रहा। अनुष्का का रोमांटिक मोमेंट कैमरे में कैद हो गया और अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख है बेहद खास। भारतीय सेना की पहली और सबसे बहादुर बटालियन मानी जाने वाली गोरखा रेजिमेंट ने 1815 में आज के दिन 200 साल पूरे किए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम ने 1998 में शारजाह में ऑस्ट्रेलिया को 6 विकेट से हराकर कोका कोला कप जीता। 1928 में प्रसिद्ध कन्नड़ अभिनेता राजकुमार का जन्म हुआ। 1929 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री सम्मी का जन्म हुआ। 1956 में छत्तीसगढ़ राज्य की पहली महिला कलाकार और गायिका तीजन बाई का जन्म हुआ। विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिने जाने वाले देश के महान क्रिकेटर सचिन रमेश तेंदुलकर का 1973 में जन्म हुआ था। भारतीय न्यायाधीश एवं राजनेता सी शंकरन नायर का 1934 में निधन हुआ। हिंदी के समाचार पत्र दैनिक आज के संस्थापक और प्रसिद्ध क्रांतिकारी शिव प्रसाद गुप्त का 1944 में निधन हुआ। भारत के प्रसिद्ध चित्रकारी जामिनी रॉय का 1972 में निधन हुआ। आज के दिन को मानव एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। वेलकम, आज हम बात करेंगे कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती है लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कर्मचारी चयन आयोग के बारे में। दरअसल पीआईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक ट्विटर खाता @SSCOfficial कर्मचारी चयन आयोग SSC के आधिकारिक ट्विटर हैंडल होने का दावा कर रहा है। पीआईबी ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है कि अकाउंट फर्जी है, यह SSC का ट्विटर अकाउंट नहीं है। अधिक जानकारी के लिए SSC की आधिकारिक वेबसाइट SSC.NIC.IN पर जाएं। अब व्हाट्सएप पर स्टेटस को बना पाएंगे क्रिएटिव। व्हाट्सएप के डेवलपमेंट पर नजर बनाए रखने वाली वेबसाइट WABETAINFO के मुताबिक व्हाट्सएप एक नए टेक्स्ट एडिटर पर काम कर रहा है जिसमें यूजर्स को 4 ऑप्शन मिलेंगे। फिलहाल ये फीचर कुछ बीटा टेस्टर्स के लिए एंड्रॉइड और iOS पर जारी किए गए हैं। नए फीचर के तौर पर लोगों को टेक्स्ट फॉन्ट को बदलने की सुविधा, टेक्स्ट अलाइनमेंट, टेक्स्ट बैकग्राउंड कलर चेंज और नए टेक्स्ट फॉन्ट को चुनने का ऑप्शन मिलेगा। टेक्स्ट फॉन्ट को बदलने के लिए आपको कई फॉन्ट्स दिखेंगे, साथ ही आप एक फॉन्ट को चुनने के बाद उसे अलग अलग तरह से सेट भी कर पाएंगे। इसके अलावा आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड कलर को भी इंस्टा की तरह बदल पाएंगे। फिलहाल ये फीचर डेवलपिंग स्टेज में है जो आने वाले समय में लोगों के लिए जारी किए जाएंगे, जिसके बाद आप व्हाट्सएप पर स्टेटस को क्रिएटिव बना पाएंगे। प्रियंका चोपड़ा ने अपने ट्विटर ब्लू टिक वापस आने पर बोला ये। बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड में भी अपना धमाल मचाने वाली प्रियंका चोपड़ा का भी सभी नेताओं अभिनेताओं की तरह ट्विटर का ब्लू टिक गायब हो गया था, लेकिन अब बता दें कि अब प्रियंका चोपड़ा का ब्लू टिक वापस आ गया है, जिसको लेकर अब उन्होंने एक ट्वीट भी शेयर किया है। प्रियंका ने अपनी ट्वीट में लिखा, वो मुझे नहीं पता था लेकिन मेरा ब्लू टिक वापस आ गया, मैं वापस प्रियंका बन गई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रियंका चोपड़ा के द्वारा किया गया यह ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं कुछ यूजर्स उन्हें ब्लू टिक वापस आने को लेकर बधाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी कुछ यूजर का यह सवाल है कि आखिर बिना ट्विटर ब्लू सब्सक्राइब के कैसे उनका ब्लू टिक वापस आ गया। इसके अलावा कुछ ने यह भी लिखा है कि प्रियंका ने ट्विटर ब्लू लिया लेकिन दिखा नहीं रही है। बीते दिन हमारे पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है नुनो गोलू कुमार, तबरेज अलम, पंचम वर्मा, विप्लव कुमार, रंजीत मिश्रा, शंकर मुखिया, मुकेश कुमार, धीरेन्द्र कुमार, ऋषिदेव, अनवर करीम खान, राजीव कुमार, मोहम्मद सकीर हुसैन, अंशु प्रिया, योगेंद्र रजक, राम नरेश यादव, राम नवी मांझी, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में विलुप्ति की कगार पर पहुंच चुकी कौरैया चिड़िया दिखाई देती है या नहीं। अब अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं पेज को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।